हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर राइड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक अपनी बाइक। स्कूटी वगैरह तो बहुत चलती है, लेकिन आज आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ईवी बाइक, जो कि एक जानी मानी कंपनी की है, जो कि मार्केट में आज के टाइम में अच्छी खासी चल रही है, जिसका नाम है होप। तो जैसे होप हो गई, ओकिनावा हो गई, ओला हो गई, एथर हो गई, ये कंपनियां क्या है कि काफ़ी अच्छी मार्केट में चल रही है आज के टाइम में ईवी के नाम से, और नए नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और प्रोडक्ट सक्सेस भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां निकाल रही है चल नहीं रहे, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो इनकी स्कूटर भी आता है और बाइक भी आती है, दोनों चीज़ें अपने को मिल जाती है। तो आज अपन बात करते हैं इसके बाइक के बारे में, तो इसकी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अपने को फ्लिप की भी मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। और बात करें अपने शोरूम के एड्रेस डिटेल की, तो ये अपने विद्याधर नगर के सेक्टर 9 में है होप इलेक्ट्रॉनिक। और आप यहाँ पे नंबर वगैरह देख सकते हो, कंप्लीट एड्रेस देख सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये ऐसी कंपनी है जो कि जयपुर के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, जयपुर के अंदर ही असेंबल होती है। तो वो पार्ट्स वगैरह का कोई अपने को लफड़ा नहीं पसने वाला कि पार्ट्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधन है, टूट फूट चलती रहती है, लेकिन पार्ट्स वगैरह एनी टाइम आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के कम्प्लीट डिटेल के बारे में। लुक आप देख ही पा रहे हो, लुक से पहले अपन बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि अपने को फुल्ली डिजिटल मिलता है। और क्या क्या इसमें अपने को फीचर वगैरह मिल जाते हैं उनके बारे में भी आपसे बात करते हैं। तो फर्स्ट में अपन बात करें इसके फ्लिप की, तो कुछ इस प्रकार के अपने को फ्लिप की मिल जाती है, जिसके ऊपर होप की ब्रांडिंग की भी मिल जाती है, और एक अपने को सिंपल की मिल जाती है, जिसके ऊपर भी अपने को होप की ब्रांडिंग मिलती है। फ़िलिप की के अंदर अपने को ज़्यादा कुछ ऑप्शन आज के टाइम पे नहीं मिलता, ओनली टॉर्च का ऑप्शन मिलता है और फ़िलिप की मिल जाती है। लेकिन इसके जो अभी नेक्स्ट मॉडल आने वाला है, उसके अंदर अपने को फ़िलिप की भी कम्प्लीट ही मिल जाएगी। अब बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस प्रकार का अपने को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए हुए हैं। फर्स्ट में बात करें तो ये अपना इंडिकेटर के लिए हो गया, ये अपनी हेडलाइट के लिए हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया साइड स्टैंड के लिए, इधर इंडिकेटर, ये चार्जर, बैटरी, ये सारे फीचर साइडों में मिल जाते हैं। बात करें मेन स्क्रीन की, मेन डिस्प्ले की, तो उसके अंदर भी अपने को डिस्प्ले के अंदर अपने को ऊपर की साइड में मिल जाता है अपना टाइमिंग, यहाँ पर अपने को मिल जाता है पार्किंग का, उसके आगे अपने को मिल जाता है हेलमेट का साइन, बाकी मोबाइल के अपने को टावर वगैरह, मिस कॉल वगैरह, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि इसके जो टॉप एंड वेरियंट है, उसके अंदर अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, तो उस हिसाब से अपने को इसमें सारे मॉडल ऊपर की साइड में मिल जाते हैं। आगे बात करें तो बैटरी हेल्थ यहाँ पर मिल जाती है, ये इसकी हीटिंग के लिए मिल जाता है, यहाँ पर करंट किलोमीटर वगैरह मिल जाते हैं, ये अपनी रेंज मिल जाती है जो कि ऑडोमीटर है, ये अपना ट्रिप वन ट्रिप टू के हिसाब से मिल जाता है। और ये इधर यहाँ पर इसका पार्किंग का बटन है, जिसको डबल बार क्लिक करने पर ये गाड़ी अपनी ऑन हो जाती है, ये अपना मिल जाता है स्पीडोमीटर। तो कुछ इस प्रकार से अपने को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके साथ यहाँ पर अपने को फ्रंट और यहाँ पर रियर का भी ऑप्शन मिल जाता है कि गाड़ी को आगे भी चला सकते हो और पीछे भी चला सकते हो, दोनों का ऑप्शन इसमें अपने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर अपने को तीन मोड मिलते हैं, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जैसे अपने इसमें पार्किंग में डाला है इसको, तो इस गाड़ी के अंदर अपने को तीन मोड मिल जाते हैं, इको, पावर और स्पोर्ट। आप इसकी रेंज आराम से खुद भी देख सकते हो कि 72 की रेंज बता रहा है और 48% बैटरी के साथ में, तो लगभग ये गाड़ी 140 से 150 किलोमीटर आराम से चली जाएगी। बात करें इसके पावर मोड की, तो उसके अंदर अपनी ये गाड़ी 100 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगी। और बात करें स्पोर्ट्स मोड की, तो आप देख सकते हो इसके स्पीड एक बार, जैसे ही मैं इसका थ्रॉटल देता हूँ, साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, पार्किंग मोड से उठेगी नहीं, और जैसे ही अपन साइड स्टैंड उठाते हैं उसके बाद में अपन इसको आराम से चला सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके इको के लिए, जो कि आप देख सकते हो कितनी जल्दी स्पीड पकड़ रही है। बात करें इसके पावर मोड की, तो आप देख सकते हो एक बार,
तो काफ़ी ज़्यादा पावर अपने को इसमें मिल जाता है। बात करें हेडलाइट की, तो नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ में इसकी हेडलाइट मिल जाती है और LED के साथ में मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर। तो स्विचेस की मैं एक बार आपसे पहले बात कर लेता हूँ, तो ये हो गया अपना रियर का ब्रेक और ये हो गया अपना फ्रंट ब्रेक, ये अपना हाई बीम लो बीम साइड इंडिकेटर के लिए हो गया, उसके साथ साथ ये हो गया अपना हैजार्ड के लिए, और एक सिंगल हॉर्न मिल जाता है इसके अंदर अपने को। ये अपना रिवर्स मोड भी हो गया जो कि आप देख सकते हो, तो इसको दबा के आप जैसे एक्सीलेटर दोगे तो ये गाड़ी पीछे की साइड में चली जाएगी। उसी के बाद में ये अपना गाड़ी को पार्किंग मोड से उठाने के लिए, ये लाइट ऑन ऑफ करने के हिसाब से, और ये जो तीन मोड इसके अंदर दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर के अंदर अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो। बात करें फ्रंट टायर की, तो फ्रंट के अंदर अपने को JK का टायर मिलता है जिसकी टायर प्रोफाइल है 90-90R18। और बात करें एलॉय व्हील डिजाइन की, तो वो भी आप देख सकते हो एक बार कुछ इस प्रकार के डिजाइन के साथ में मिलती है। बात करें सस्पेंशन की, तो इसके अंदर अपने को नॉर्मल अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसके ऊपर अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाता है, होप की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इस प्रकार का कुछ फ्रंट वाइजर मिल जाता है, और यहाँ पर मिल जाता है एक DRL, और ये अपनी हेडलाइट, उसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है अपने को हैजार्ड के साथ में इंडिकेटर। अब बात करें साइड लुक की, तो साइड के अंदर इसके अंदर अपने को फ्यूल टैंक वगैरह की तो ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक EV बाइक है, तो लेकिन लुकिंग के हिसाब से कंप्लीट उसको ऐसा ही बनाया गया है जैसे अपनी होंडा की SP125 आती है, उसी प्रकार के लुक के साथ में अपने को ये गाड़ी मिल जाती है। अब इतने सारे ऑप्शन तो अपने को मिल गए, गाड़ी चल भी गई, लेकिन चार्ज कहाँ से करोगे, तो चार्जिंग का ऑप्शन अपने को यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो। बात करोगे चार्जिंग टाइम के बारे में, तो 0 से लेके 80% तक ये हो जाती है 3 घंटे के अंदर, और अगर फुल चार्ज करोगे 0 से लेके तो कम्प्लीट ये 4 घंटे के अंदर कम्प्लीट फुल चार्ज हो जाएगी। तो गाड़ी के कलर की बात करोगे तो इसके अंदर अपने को ब्लैक के साथ में रेड, ग्रीन, ग्रे, कई प्रकार के ऑप्शन के साथ में कलर वगैरह मिल जाएंगे, कलर की कोई प्रकार की अपने को दिक्कत नहीं मिलेगी। और बात करें साइड काउल की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड डिजाइनिंग के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पर ये कंप्लीट पैक अपने को मिलती है जिसके अंदर अपने को यहाँ पर बैटरी वगैरह प्लेसमेंट इसकी की हुई है। बात करें फुटरेस्ट की, तो फुटरेस्ट भी अपने को एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ में रबड़ के कवरिंग के अपने को मिल जाते हैं। बात करेंगे साइड स्टैंड की, तो कट ऑफ सेंसर के साथ में ये अपने को साइड स्टैंड मिलता है, उसी के साथ साथ मिडल स्टैंड भी इसके अंदर अपने को मिल जाता है। फुटरेस्ट फ्रंट एंड रियर के दोनों सेम मिलते हैं, उसी के साथ साथ सेफ्टी गार्ड के हिसाब से, लेडीज सेफ्टी गार्ड के हिसाब से अपने को यहाँ पर ये मिल जाता है। बात करें रियर टायर की, तो रियर के अंदर अपने को JK का 130/70R17 का टायर मिल जाता है जो कि ट्यूबलेस टायर है। और बात करें एलॉय व्हील डिजाइन की रियर के अंदर, तो रियर के अंदर अपने को इसमें मोटर मिल जाती है और उसी के साथ साथ कुछ एलॉय डिजाइन के साथ भी मिल जाता है। रियर के अंदर अपने को हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल सस्पेंशन है, जो कि 5 टाइम तक अपने को एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ बात करें इसके टेल लाइट की, तो टेल लाइट भी इसके अंदर अपने को फुल्ली LED सेटअप के साथ में मिलती है, और उसी के बाद में अपने को अपने नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है। इसके अंदर अपने को नॉर्मल नंबर प्लेट नहीं मिलती है, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट ही मिलेगी क्योंकि ये EV बाइक है। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये होप ऑक्सो के नाम से अपने को मिलती है, होप कंपनी की बाइक है जो कि ऑक्सो के नाम से चलती है, जिसकी प्राइस है ऑन रोड अपने को मिलती है 1,75,000 रुपये, जिसके अंदर अपने को गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी मिल जाती है लगभग 10 से 12,000 रुपये के समथिंग। इसका एक टॉप एंड वेरिएंट आता है ऑक्सो प्लस, वो अपने को मिल जाता है 1,95,000 रुपये का, उसके अंदर भी अपने को सब्सिडी मिल जाती है, उसके अंदर अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात कर लेते हैं गाड़ी के, जो इसके अंदर अपने को बैटरी मिलती है उसी के साथ साथ मोटर मिलती है, तो वो भी जैसे ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑन रोड चलती रहती हैं, कभी मिट्टी में कभी कीचड़ में, तो पानी वगैरह जाने की भी संभावना हो जाती है इसके अंदर, तो कंपनी इस चीज़ के लिए कंप्लीट ही इसको वाटरप्रूफ बना रखी है। तो जैसा कि आप कभी भी जैसे किसी भी रास्ते के अंदर चलते रहो गाड़ी आपकी डूब जाएगी, पानी वगैरह गाड़ी के ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत आने वाली चीज़ नहीं है। उसी के साथ साथ बात करें गाड़ी की वारंटी वगैरह की, तो इसके अंदर अपने को 4 साल या 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जिसके अंदर अपने को इसकी मोटर और इसके जो बैटरी वगैरह है उन चीज़ों की अपने को वारंटी मिलती है। उसी के बाद में अपन बात करें इसके प्लस वाले वेरियंट में, जो कि 1,00,000 और
95,000 रुपये का आता है, उसके अंदर अपने को 4 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर तक की अपने को वारंटी मिल जाती है। अगर बात करें इस गाड़ी के लोन के बारे में तो ये अपने को ऑन रोड पड़ती है 1,75,000 रुपये। बाकी सब्सिडी वगैरह भी आ जाती है लेकिन वो बाद में आपके अकाउंट में आती है। तो बात करें लोन के इसके डाउन पेमेंट के बारे में तो ये गाड़ी आप 30 से लेकर 40,000 रुपये करीब देके ये गाड़ी आप परचेज कर सकते हो। बाकी आपकी छोटी छोटी EMI बनवा के इसको बाय कर सकते हो। बाकी EV बाइक्स वगैरह या स्कूटर वगैरह या कार वगैरह के लिए गवर्नमेंट भी कई स्कीम चला रही है, आपके लोन के अंदर इंटरेस्ट वगैरह भी माफ़ कर रही है और भी कई स्कीमें चल रही है। लोन कंप्लीट ही डिपेंड करता है आपके सिविल पे कि आपका कैसा क्या सिविल है, उस हिसाब से लोन होता है, उस हिसाब से ही किस्तें बनती है। बाकी इसके अंदर अपने को सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, जैसे तो साइड कट ऑफ सेंसर के साथ में साइड स्टैंड हो गया, उसी के साथ साथ समथिंग 220 mm का इसके अंदर अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, उसी के साथ साथ में इसमें अपने को हैजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।